खबर चित्तौड़गढ़ से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट चौराहे पर आज कांग्रेस जनों ने चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट चौराहे पर आज जिला शहर ब्लॉक और युवक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें धरने को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि वर्ष 2013 जब तक कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब पेट्रोल के भाव 60-70 के आसपास हुआ करते थे और अब भाजपा के नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण आमजन का जीना भी अब दुश्वार होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है, जिसका प्रभाव हर आवश्यक वस्तु पर पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ रहे दामों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए, साथ ही केंद्र सरकार को बढ़े हुए दाम वापस ले लेने चाहिए जिससे कि आमजन को राहत मिल सके। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के अलावा नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, प्रमोद सिसोदिया, रमेश नाथ योगी, रणजीत लाल, प्रेम प्रकाश मुंदड़ा सहित कई अन्य कांग्रेस जन भी मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जोरदार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े और वो भूमि अधिग्रहण कानून वापस इनको लेना पड़ा, नहीं तो आज जमीनें भी सारी की सारी सरकारों के नाम पर अडानी अंबानी के नाम पर हो जाती। ये असफल हुआ और इन्होंने फिर तीन काले कानून कोरोना जैसी बीमारी के अंदर संसद को बुला के हाथों हाथ पारित करके लागू कर दिया। किसान कह रहा है कि हमें इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोदी जी अडानी अंबानी के हितों की पैरवी करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैरवी नहीं करता तो इनकी आय आई है अंबानी जी की 1 मिनट में 1.5 करोड़ रुपया बढ़ रहा है, 1 घंटे के 90 करोड़। और भाई सुमंत ने ठीक कहा, 2200-2300 करोड़ रुपया आपका 24 घंटे के अंदर इस अंबानी का बढ़ रहा, जो कि प्रधानमंत्री के साथ आपको अच्छी अच्छी बैठकों में नजर आ जाएगा, जिन बैठकों के अंदर उद्योगपति किसी हालत के अंदर वो अंदर नहीं घुस सकते, उन बैठकों में प्रधानमंत्री जी के साथ उस सलाहकार समूह के अंदर यह व्यक्ति बैठने लग गया है।